यूपी की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर में अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर योगी सरकार के बुलडोजर ने एक्शन लेते हुए मकानों और दुकानों को मिट्टी में मिला दिया है। अब इसी तरह लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में भी अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर एक्शन लेने को तैयार है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पिछले साल बनी बाढ़ जैसी स्थिति फिर न आ जाए, इसके लिए प्रशासनिक इंतजामों को पूरा कराया जा रहा है, जिसमें जमुरिया नाले की सफाई सबसे बड़ा चैलेंज है। दरअसल शहर के अंदर से निकले जमुरिया नाले पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। करीब 188 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने या तो पक्का निर्माण करा रखा है या फिर चार दीवारी बनाकर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर कई बार अवैध कब्जेदारों को नोटिस भी जारी किया गया। अवैध कब्जों के चलते बारिश के दौरान जल निकासी न होने के कारण नाला उफान पर आ जाता है और शहर में तबाही मच जाती है। कई दिनों तक जहां एक दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में पिछले साल पानी भरा रहा, वहीं चार दिन तक पटेल तिराहे पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। इस दौरान लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर जाने से करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। वहीं अब अतिक्रमण हटाने की डेडलाइन गुरुवार की रात बीत गई, पर किसी ने न घर खाली किया और न ही अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे और निर्माण तोड़ने के सख्त लहजे में आदेश दिए। लेकिन इसके बाद लोगों ने दो दिन की मोहलत और मांगी, जिसके बाद डीएम ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार सुबह 11 बजे एसडीएम सदर विजय कुमार त्रिवेदी और सीओ जगत नारायण कनौजिया भारी संख्या में जवानों के साथ नगर के मोहल्ला घोसियाना पहुंचे। वहां नाले की जद में आए किसी भी शख्स ने अवैध निर्माण नहीं तोड़ा था। एसडीएम की चेतावनी देने पर घोसियाना पुल पर काफी संख्या में प्रभावित परिवार पहुंच गए। 70 साल की साजिदा एसडीएम से बोली, साहब दो दिन का समय और दें। इस पर एसडीएम ने शनिवार तक का समय दिया है। शुक्रवार की दोपहर बाद घोसियाना से लेकर कमरियाबाग तक लोगों ने अवैध चिन्हित अपने घरों के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। घोसियाना के पास रहने वाले करीब 10 घरों के काफी हिस्से धराशायी हो गए। यहाँ पर रहने वाले सतेंद्र मिश्र बताते हैं कि उसने 2 साल पहले 650 फीट जमीन 4.5 लाख में खरीदी थी। 15 लाख लगाकर घर बनाया, आधा हिस्सा अवैध घोषित कर दिया गया है। घर पिलर पर बना है, अगर ये हिस्सा गिराया तो छत ही ढह जाएगी। ऐसे ही दर्द कई परिवारों के सामने आए। वहीं एसडीएम ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि जमुरिया नाला की जद में 44 पूरे घर आए हैं। इसके पात्र परिवारों को प्रशासन ने रहने के लिए आवास आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा 170 के आसपास अन्य निर्माण भी आ रहे हैं, पर वो आंशिक हैं। इन लोगों ने नाले पर अवैध रूप से निर्माण कराया है, इससे इनको कोई राहत नहीं मिलेगी। खुद ही निर्माण नहीं तोड़े तो रविवार से प्रशासन खुद ही ध्वस्त करेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।